17 तारीख को रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, क्या फैसला उससे आया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सैयद शाह वासिफ हसन वाइजी, सजादा नशीन खानका आलिया वासिया हसनिया, शरीक मुतवली जामा मस्जिद शाह टीला शाह पीर मोहम्मद साहब आपसे मुखातिब हूँ। ये मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि एक वाद मुकदमा जूनियर डिवीजन सिविल साउथ में 400/2023 निपेन पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये दाखिल किया गया था, जिसपे मस्जिद की तरफ से मेंटेनेबिलिटी को लेकर मस्जिद लड़ रही है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये बाढ़ है अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड वक्फ एक्ट। हाल में ही एक दरख्वास्त उसी वाद में डाली गई जिसमें इस तरह की बात कही गई कि रामनवमी के इस शुभ अवसर पर उनको पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए। तो ऊपर वाले का बड़ा एहसान और करम है कि जो इस तरह की आप देख रहे होंगे मुसलसल खबरें आती हैं और लोगों में इस तरह की शरारती तत्वों के ज़रिए खबर फैलाई जाती है, टीले वाली मस्जिद तारीखी मस्जिद है उसके ताल्लुक से, तो खैर हमने कभी उस पर कोई अपनी बात नहीं की, लेकिन आज जब उन्होंने दरख्वास्त डाली और उस पर सुनवाई हुई, कल बहस हुई, और अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है कि वो दरख्वास्त जो थी कोर्ट ने निरस्त कर दी। और तमाम मैं जो आवाम है और जो लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा जो उनके अंदर बेचैनी और इस्तराब जिस तरह पैदा होता रहा है पुरानी ख़बरों की वजह से, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि बहुत ही सब्र का मुजाहरा करें और जो भी बात मस्जिद की तरफ से कही जाए ख़ास तौर से जिम्मेदारों की तरफ से, उस पर ही आपको ध्यान देना है, उसको समझना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। और लखनऊ ख़ास तौर से ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। अभी होली में देखिए लोगों ने जो है, हम लोगों ने गुजिया खाई और ईद के मौके पे हमारे बिरादरान वतन ने जो है सिवैयाँ खाई हैं। तो ये मुल्क जो है वो एक प्यार का, मोहब्बत का, आपसी भाईचारे का मुल्क है। तो कुछ इस तरह के शरारती तर जो कोशिश कर रहे हैं उसमें बिल्कुल आप लोग मोहतात रहिए और उसका ख्याल रखिए। और ख़ास तौर से अपने बिरादरान वतन से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इस बात का ख्याल रखें और जो आपसी मोहब्बत और प्यार और जो गंगा जमनी तहजीब हमारी लखनऊ कही जाती है, तो उसका वो रखें, पास रखें उसका। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रशासन का, पिछले कई दिनों से वो हमारी मस्जिद के ताल्लुक से जो भी हिफाजती इंतज़ाम होते हैं उसमें बड़े चार चौबंद रहते हैं, और ये जो फैसला आया है मैं उसका बड़ा खैर मकदम करता हूँ और इस न्यायालय का फैसले का, और मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा पक्ष अगर इस बात को लेकर आगे गया, दूसरा अगला कदम उठाते हैं, तो आपका क्या अगला कदम होगा? साहब अब चूँकि देखिए ये मैं आपके सामने आज ये बात बैठ के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार 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 इस तरह की झूठी खबरें लाई गई और लोगों के अंदर बेचैनी और इस्तराब पैदा करने का काम किया गया है, तो इसलिए इस अर्जी पर ख़ास तौर से जो फैसला आया तो मुझे आपके सामने आना पड़ा और ये बात कहनी पड़ी। तो जहाँ तक सवाल इसका है, 2013 से इसको हम अपने वालिद महोत्सव के ज़माने से जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं और जो पैरवियाँ हैं वो तमाम करते आ रहे हैं। मैंने कभी भी इस तरह आके सामने कोई, मैं समझता हूँ चूँकि न्यायालय का मामला है तो क्या तरीका होता है, न्यायालय में सुनवाई होती है, उसको इस तरह से आवाम में लाना वो जो है मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है, मैं उसके पक्ष में कभी रहा भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो भी अगर इस तरह कार्रवाई होती है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है कानूनी, इंशाल्लाह वो हमेशा जैसे पहले लड़ी जाती रही, आइंदा आगे भी लड़ी जाती रहेगी। आवाम से क्या कहना चाहते? मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत मोहतात रहें और इस तरह के माहौल में बिल्कुल भी सब्र का दामन न छोड़ें और ऊपर वाले अल्लाह पर भरोसा रखें और बहुत ही सब्र के मुजाहरा करें जब तक कोई ज़िम्मेदार तरफ से ज़िम्मेदारी वाली बात ना आ जाए। और मैं आपसे कह दूं कि ज़िम्मेदारी के तौर पर अगर अल्लाह ना करे कोई बात अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत से यहाँ पे हमारे लखनऊ के उलमा इकराम हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साथ में उनके बैठ के ही आपके सामने अपनी बात को रखूँगा। अभी चूँकि कोई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर ही खैरियत है, इसलिए मैंने अपनी ये बात जो, क्योंकि ये मामला काफ़ी अर्जी वाला काफ़ी था, गर्म था ये मामला, तो इसलिए मुझे ये बात आ चुकी है, ऑर्डर आया है, तो इसलिए मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।